बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के कौन से हैं वो टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं 2024 में सीयूईटी का एग्जाम देकर। बीटेक बायोटेक के इन सरकारी कॉलेजेस को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो क्या रहेगा सीयूईटी में आपका सब्जेक्ट क्राइटेरिया और क्या है इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसी रहती है यहाँ पे फीस, अगर आप सभी के क्वेश्चन है तो बीटेक फंडामेंटल्स में संस्थान का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 गवर्नमेंट बीटेक बायोटेक कॉलेजेस सीयूईटी 2024 के बारे में। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने किस तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करने का सीयूईटी यूजी 2024 देके वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में है आईसीएआर न्यू दिल्ली, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ से बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, तो 12th में आपके पास पीसीएम या फिर पीसीबी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी आपके पास होने चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क्स आए होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी और 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। अब आईसीएआर को अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए टारगेट करना चाहते हैं सीयूईटी के बेसिस पे, तो सब्जेक्ट क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट, इसमें आपको सिलेक्ट करने होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने 12th किस में की है। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीटेक के पूरे कोर्स की फीस है लगभग 1,00,000 रुपए के करीब। जी हाँ, फीस यहाँ पे काफी ज्यादा कम है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रहेगा, प्लेसमेंट्स काफी अच्छे रहते हैं, तो आप जरूर इसको टारगेट कर सकते हैं बीटेक बायोटेक करने के लिए 2024 में। सेकंड बेस्ट ऑप्शन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करने का सीयूईटी के थ्रू है वन ऑफ द टॉप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। तो एकेटीयू भी ऑफर करता है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स सीयूईटी 2024 के थ्रू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 45% मार्क्स, पीसीएम पीसीबी बैकग्राउंड से हो सकते हैं फॉर जनरल स्टूडेंट्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स। एकेटीयू को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट क्राइटेरिया सीयूईटी का फॉर्म फिल करते हुए आपको सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा अपने 12th के सब्जेक्ट्स के हिसाब से। और फीस की अगर हम बात करें तो बीटेक बायोटेक एकेटीयू से अगर आप करते हैं तो यहाँ पे एक साल की फीस है 86,000 रुपीज के करीब, यानी कि आपके पूरे 4 साल की फीस है लगभग 3,50,000 रुपए के करीब। थर्ड बेस्ट ऑप्शन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए सीयूईटी 2024 देख रहे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसे पॉपुलरली हम जानते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के नाम से। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, 12th आपने पास किया होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स, आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, और इंग्लिश भी आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आईपीयू को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो सीयूईटी का फॉर्म फिल करते हुए जो सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होंगे वो सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। फीस की अगर हम बात करें तो बीटेक बायोटेक की एक साल की फीस यहाँ पे है 1.2 लाख रुपीज। चौथा बेस्ट ऑप्शन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का सीयूईटी 2024 के थ्रू है नागालैंड यूनिवर्सिटी। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि बीटेक बायोटेक कोर्स ऑफर करती है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम 50% मार्क्स 12th में आपके आए होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी और 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। सब्जेक्ट क्राइटेरिया सीयूईटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में सिलेक्ट करने होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फीस की अगर हम बात करें तो फीस पूरे कोर्स की यानी कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के 4 साल के कोर्स की यहाँ पे है लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब। फिफ्थ नंबर पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से विद मिनिमम 45% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। सीयूईटी के सब्जेक्ट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें अगर आप इस कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको केवल सेक्शन 3 जनरल टेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा अगर आप इस कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक साल की बीटेक बायोटेक कोर्स की फीस है लगभग 86,000 रुपीज। तो आप में से जो स्टूडेंट्स बायोटेक करने में इंटरेस्टेड हैं और 2024 में सीयूईटी दे रहे हैं तो वो इन कॉलेज को जरूर टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द हम लेके आएंगे बीटेक फंडामेंटल्स में संस्थान पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।